हाँ वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? तो कैसा है अभी वो? अबे मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। What's up guys, this is Varun Manal for अभी आप जो व्लॉग में देखने वाले हो उससे भाई सही में आपको पता चला है कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। ऐसा नहीं होता कि जो छोटा मोटा क्रिएटर हो 8-9 हज़ार वाला वो झूठ ही बोल रहा है और जो 200 वाले वही सच बोल रहे हैं। पर अगर आपने उन्हीं की बात पे विश्वास करना है तो ये आप आगे के दोनों क्लिप्स देख सकते हो, एक ड्राइवर भाई की क्लिप और दूसरी भाई एच के ऑन व्हील्स की। दोनों के दोनों अपने व्लॉग में यही चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि आमिर माजिद वहाँ से चला गया? दोनों के दोनों अपने ब्लॉग में यही क्यों बोल रहे हैं कि आमिर माजिद वहां से भाग गया? आमिर माजिद ने आईडी डीएक्टिवेट कर दी। आमिर माजिद वहां रुका नहीं, ना उसके फ्यूनरल पे गया, ना घर वालों से मिला, सिर्फ फोन पे दिलासे दे रहा है कि मैं आऊंगा मैं आऊंगा आऊंगा। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसमें कुछ बात है। हाँ वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? तो कैसा है अभी वो? मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। यूट्यूबर नहीं आया, सिर्फ मैं और बकांडी ब्लॉग खड़े थे वहां पर, और हमारे आसपास के काफी वो थे लेकिन जो फ्रेंड सर्कल में थे देखो वो तो आए हैं। बट मैं जिनको कहना चाह रहा हूँ वो है ये आपका सैमी, बियर बाइकर सैमी, आमिर माजिद जो वादे कर रहा है फोन पे, मैं आ जाऊंगा मैं कल आऊंगा, बचने के लिए कि इसको यहाँ पकड़ना ले लोग। तो क्यों हो रहा है ऐसा गाइस, मुझे बताओ, किसी को पता है? एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, भाई आमिर माजिद की जो वीडियो है उसमें 10 मिनट्स 44 सेकंड्स पे जाके देखो, उसने म्यूट कर दिया, क्या पता गाली थी। और हर चीज को उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि गलत ही हो सकता है। बट हाँ ये चीज मैं भी पूछ रहा हूँ, आप ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप लोगों ने सबसे पहले ही पकड़ लिया था कि उस भाई ने वहाँ पे क्रॉप इन करके जूम इन किया। तो तू सच बताना यार, तू सच बताने से क्यों डर रहा है? तू क्यों नहीं जा रहा उस फैमिली के पास सच बोलने के लिए कि ये हुआ है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले? तुम्हें सच दिखाना चाहिए। जिसने भी इंस्टा उठाया गोप्रो उठाया प्लीज़ उसको वापस करो। अगर तुम वापस नहीं कर सकते वो क्लिप उसकी फैमिली को, तो उसकी फैमिली जानना चाहती है एक्चुअल में हुआ क्या उसके बच्चे के साथ। यार तुम इतने कैसे मतलब नीच हो सकते हो कि किसी की डेड बॉडी पड़ी उसके सामने से तुम गोप्रो इंस्टा 360 उठा रहे हो? भाई ये इंडिया में ही हो सकता है, इंडिया में ही हो सकता है कि कोई बंदा मर रहा हो ना उसकी जेब से उसका पर्स निकाल के उसमें से भी 100 रुपये निकाल लेंगे, ऐसे लोग हैं हम कसम से। बहुत बुरी आदत है यार। और आमिर माजिद अपना नया ब्लॉग डाल के तू जहाँ भी रहे खुश रहे, इससे तू क्या जताना चाहता है भाई? तू उसकी फैमिली के पास क्यों नहीं जा रहा जहाँ तू 20 दिन तूने राशन तोड़ा है? तो उसकी फैमिली के पास क्यों नहीं जाके बैठ रहा? उनको क्यों दिलासा नहीं दे रहा? उनको क्यों सच नहीं बता रहा क्या हुआ है? क्योंकि तेरी सही में फट रखी, तू वहां जाएगा तो लोग तेरे पे चढ़ जाएंगे राशन पानी लेके कि तू ही साथ था। बाकी सारे यूट्यूबर्स भी ये बोल रहे हैं कि तू ही साथ था। तूने अपनी क्लिप में बोला कि भाई मुझे नहीं पता मैं तो बहुत आगे निकल आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने खुद अपनी क्लिप डाल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली भाई। जनता चूतिया है यहाँ पे, जनता तो चूतिया ही, जो तुम्हें देख रही है वो तो है, उसका तो कुछ नहीं कर सकता। और तू मुझे बोल रहा कि मैंने तेरे को फोन किया था भीख मांगने के लिए, व्यूज के लिए? अबे मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं पुरानी वीडियो ऑडियो डाल दूंगा ना तेरी, जिसमें तू पीछे पीछे आ रहा है कि भैया R1 चाहिए शूट के लिए, भैया ये चाहिए, भैया वो चाहिए। तो फिर अपना मुंह बंद ही रखो, ठीक है? ज्यादा बकचोदी यहां करनी चाहिए जहां संभले ना। एक बंदे को वैसे टाइम पे छोड़ के भाग गया और अपनी वीडियो को मैनिपुलेट कर करके दो आंसू बहा के लोगों को दुनिया को ये दिखा रहा है कि भाई मैं तो क्यों नहीं जा रहा उसके घर? रॉ फुटेज क्यों नहीं डाल रहा लोगों के कहने पे? तेरे ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर रखा ना कि भैया रॉ फुटेज डालो रॉ फुटेज डालो, क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि तो डाल नहीं सकता। कोई नहीं भाई, ऊपर वाला है और ऊपर ही लगा हुआ CCTV तुझे बताएगा। तूने अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मार दी वो वीडियो डाल के, पूरी जनता चूतिया नहीं है, सबने देखी है वो वीडियो, सबको पता है उसमें क्या हुआ है। लोग खुद से मैसेज करके आए थे कि भाई ये चीज नोटिस करो आप उसकी वीडियो में। तो अगर भाई सामने वाला बंदा देख रहा है ना, तो तुम चाहे 3 मिलियन की जनता अंधी कर लो, सामने वाला जब देख रहा तो वो देख रहा है, और ऊपर वाला तो देगा जवाब तुझे, यहीं देगा इसी टाइम। मैं नहीं कह रहा इसको अनफॉलो करो अनसब्सक्राइब करो रिपोर्ट करो, मेरे से ये सब बकवास नहीं होती, पर कम से कम उस इंसान को तो इज्जत दे देता यार, उस इंसान को तो इज्जत दे देता तू, घटिया इंसान घटिया इंसान। तो आमिर को ही पता है क्योंकि वही सिर्फ वाहिद ऐसा इंसान था जो उसके साथ था। आमिर माजिद देहरादून आया, भैया के घर पर इतने दिन रुका, खाना पीना सब यहीं, भैया ने घुमाया उसे, भैया के पापा उसके साथ गए, सब कुछ हुआ ठीक है।
एंड उसने बदले में क्या करा गाइस, भड़काया उसको। खैर ये चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ये अभी मुझे बताया, मैं बताने के लिए मना है। एंड दूसरी चीज़, वो आखिरी मोमेंट पे भी नहीं आया ना, वो हॉस्पिटल में आया ना, वो एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ से भाग गया। तीसरी चीज़, वो उसके घर पर भी नहीं आया और अभी भी अंकल को फ़ोन पे क्या कह रहे हैं, अंकल मैं कल सुबह आ जाऊँगा, अंकल मैं परसों सुबह आ जाऊँगा, अंकल मैं ये आ जाऊँगा, अंकल मैं वो आ जाऊँगा, और बस वो सिर्फ ये और ये कर रहा है। एक्सीडेंट होते ही बंदे ने आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी, ठीक है, उसके बाद उसने दोबारा ऑन करी, ठीक है, एक फेक स्टोरी सिर्फ बना दी हार्ट ब्रोकन टाइप की, जब उसको लगा कि लोग नोटिस कर रहे हैं ये चीज़। सो काफ़ी क्लियर कर दी इस बंदे ने, मतलब यार जब भगवान चाहता है ना कि आप पकड़े जाओ, तो फिर वो आपसे ऐसी ऐसी गलतियां करवाता जाता है ना कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कि अगस्त या उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है, जहाँ पे आमिर ने बोला एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आमिर ने जूम कर दी वीडियो। अब उसने जूम क्यों करी वीडियो, ये तो सोचने वाली बात है, क्यों जूम करी, वो पूरा क्लिप कहाँ है, रॉ क्लिप कहाँ है, सब लोग बोल रहे हैं रॉ क्लिप दिखाओ, बाकी तो देखो पुलिस केस हो चुका है शायद, तो वो पुलिस देख लेगी। ये तो उस वीडियो में तो दिख रहा है कि इनकी टक्कर नहीं हुई, जहां तक उसने नॉर्मल वीडियो डाली है वहां तक दिख रहा है इनकी टक्कर नहीं हुई। तो आप वापस क्यों नहीं गए, अगर मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट होता, मुझे पता लगता था कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसी टाइम यूटर्न छोड़ो रॉन्ग साइड वहीं से भगाता हुआ जाता, चाहे मैं गाड़ी से होता, पैदल होता, साइकिल, बाइक, कुछ भी हो, उसी टाइम मैं आगे वाले लोगों को इन्फॉर्म जरूर करता, बट ये नहीं कि आगे मैं 30 किलोमीटर जाऊं, अपनी बाइक लगाऊं, गाड़ी में बैठूं, उसके बाद वापस स्पॉट पे आऊं।